वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ प्रकल्प में वाशिम जिले का समावेश करने की मांग की गई है। प्रकल्प संबंधी समावेश संघर्ष समिति के संयोजक हरीश सारडा ने कहा है कि मांग के संबंध में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है। मांग पूरी नहीं होने पर संघर्ष तेज किया जाएगा, न्यायालय की शरण ली जाएगी। रविवार को पत्रकार वार्ता में सारडा ने वाशिम जिले में जल संकट की स्थिति का जिक्र किया। सारडा ने कहा कि प्रस्तावित वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ प्रकल्प में वाशिम जिले का समावेश होने पर वहां सिंचाई क्षमता का विकास होगा। फिलहाल वाशिम जिले में सिंचाई क्षमता 5-7% है। देश में अति पिछड़े 115 जिलों में वाशिम शामिल है। विदर्भ में ही नदी बांधों में पर्याप्त पानी है। हाल ही में गोसीखुर्द बांध के सभी 33 गेट 1.5 मीटर तक खोलने पड़े। एक दिन में औसतन 691 ME पानी समुद्र में गया। चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में पानी को रोकने के लिए बांध निर्माण हेतु पर्याप्त भौगोलिक स्थिति नहीं है। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ प्रकल्प प्रशासकीय मंजूरी की प्रतीक्षा में है। यह प्रकल्प वाशिम जिले की सीमा से 50 मीटर के अंतर में है। अधिकारियों के अपर्याप्त नियोजन के कारण वाशिम जिले को इस प्रकल्प में शामिल नहीं किया जा सका है, लिहाजा प्रकल्प में जिले को शामिल करने की मांग को लेकर समिति बनाई है। समिति के माध्यम से विविध स्तर पर आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन किया जाएगा, सिंचाई चेतना यात्रा निकाली जाएगी। नदी जोड़ प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होत आहे। या काम हे काम करण्याची ह्या प्रकल्पाची मूळ संकल्पना जो भाग ड्राय आहे, जो भाग ज्या भागात नदी नाले धरण तलाव होऊ शकत नाही अशा ठिकाणी असलेल्या गंगेतलं नदीतलं पाणी नेऊन त्यांना सिंचनाखाली आणायचं, त्यांचा विकास करायचा असा याचा मूळ उद्देश होता। आमचा जिल्हा, आमच्या जिल्ह्यात एकही मोठा प्रकल्प नाही, दुय्यम प्रकल्प नाही, नदी नाही, मोठा कालवा नाही, धरण नाही आणि आमच्या जिल्ह्याला या प्रकल्पातून वगळण्यात येत आहे। म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिलं आणि आज पंतप्रधानांना सुद्धा निवेदन दिलं की आमचा जिल्हा या विकासापासून वंचित ठेवू नका। आम्ही खूप दिवसापासून तहानलेले आहोत, आम्ही खूप दिवसापासून भुकेलेले आहोत। या देशातले जे अति मागासलेले 115 जिल्हे आहेत त्याच्यामध्ये आमच्या वाशिम जिल्ह्याचा समावेश आहे। सर्वात जास्त पाण्याची गरज आणि सिंचनाची गरज आम्हाला असताना आम्हाला त्याच्यातून वगळण्यात येत आहे। म्हणून आम्ही या समितीची स्थापना केली व या समितीच्या माध्यमातून वेगवेगळे आंदोलन करू। ही समिती पक्षविरहित आहे, सर्व पक्षाचे लोक याच्यात सामील झालेले आहेत आणि आम्ही आमच्या जिल्ह्याचा नदी जोड प्रकल्पात समावेश केल्याशिवाय राहणार नाही। त्याच्यासाठी आम्हाला काय करायचं ते करू, कोण न्यायालयात जाऊ, आंदोलन करू, पदयात्रा काढू, उपोषण करू, सत्याग्रह करू, काय करायचं ते करू, परंतु आम्ही पाणी मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। हा आमच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपुर।